बार फिर मैं डॉक्टर ललित त्रिपाठी आप तमाम भक्तों को शुभ चैनल की पूरी टीम के साथ सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तृतीय दिवस की अंतिम दिवस की यह यात्रा है, 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का 128वां आयोजन बुंदेलखंड के जिला छतरपुर के नौगांव में है आयोजन। परम पूज्य दद्दा के 82वें जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर के उपलक्ष्य में यहाँ पर रखा गया है। अभी आपने हमारा जो विशेष प्रसारण में कल आपने देखा होगा घर पर बैठकर दद्दा जी के जन्मोत्सव को कितने धूमधाम से महोत्सव के रूप में यहाँ के लोगों ने और देश से आए दूरांचल से उनके भक्तों ने यहाँ पर दद्दा के जन्मोत्सव को यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, मनाया था, खुश थे, यहाँ पर धूमधाम से बधाई नृत्यों की प्रस्तुति के साथ इस जन्मोत्सव को आगे बढ़ाया था। आज यह अंतिम दिवस है इस महाआयोजन का, लेकिन अपने अंतिम दिवस में भी यह आयोजन अपने अति विराट और भव्य स्वरूप में परिलक्षित हो चुका है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं भजनों के आनंद के साथ बाबा महादेव का निर्माण यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कल भी दद्दा जी ने अपने आशीर्वचन में यही शब्द कहे थे, यहाँ पर बीपी दीक्षित कॉलेज के धर्म प्रांगण में जहाँ पर यह आयोजन उनके परिवार के द्वारा दद्दा जी के जन्मोत्सव के रूप में और उनके नवीन भवन जो है उनके शिक्षण संस्थान जो है उसके संरक्षक के रूप में परम पूज्य दद्दा को उन्होंने यहाँ पर बनाया है और उसी लोकार्पण नवीन भवन के लोकार्पण समारोह कर दद्दा के कर कमलों के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जीवन की मीमांसा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की विचारधारा आगे बढ़ने के लिए गुरु के महत्व को, गुरु के प्रवेश को जीवन में अति महत्वपूर्ण मानती है। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, तो निस्संदेह रूप से मैं यही मानना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में तीन गुरु होते हैं। प्रथम गुरु वो होता है जो हमें इस संसार सागर में पैदा करता है, हमारा माता पिता प्रथम गुरु होता है। द्वितीय गुरु वो होता है जो हमें संस्कार सीखने की पाठशाला देता है, अर्थात शिक्षक हमारा दूसरा गुरु होता है। तीसरा गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन को आगे बढ़ाता है, जो हमारे अंतरंग और बहिरंग को अपने जीवन में समाहित करने की व्यवस्था करता है। ऐसा गुरु जो होता है वो तीसरा गुरु हमारे जीवन में होता है। इस तरह से जो है कहीं ना कहीं परम पूज्य दद्दा जी का आशीर्वाद, परम पूज्य दद्दा जी की कृपा उनके तमाम भक्तों पर है, उनके जन्मोत्सव पर। हम अपनी शुभ चैनल की पूरी टीम के साथ दद्दा जी को श्री चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए यही निवेदन करेंगे कि आप दीर्घायु हो, आपका सानिध्य हमें नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को चाहिए है, क्योंकि आप जैसे संत ही इस संसार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे विभिन्न आयोजन करके जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होते हैं, तो आपका सानिध्य सदैव हम सबको मिलता रहे। इसी भाव के साथ हमारी शुभ चैनल की पूरी टीम दद्दा जी के श्री चरणों में सशत नमन वंदन अभिनंदन करते हुए यही भाव कि ऐसे आयोजन हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपके 125 करोड़ शिवलिंग में यदि एक शिवलिंग ही उन्होंने अपने घर पर बना लिया तो शायद हमारी सार्थकता होगी कि आपके सानिध्य को हमने अपने कैमरे में कैद कर दुनिया के लोगों को दिखाया और कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दादाजी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे चलते हैं इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के जो दृश्य परिदृश्य वो आपसे हम रूबरू होते रहेंगे और आपसे यही कामना करते हैं इस विशेष प्रसारण के माध्यम से दद्दा जी के शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम को आप घर पर भी बना सकते हैं और राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के भाव को लेकर इस मिशन को आप आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बजरंग रंगीले हठीले बली जिन मान्य मथ्यो गढ़ लंक पति को लेके मूत्र को कूदो समुद्र में जाय हरे सिय सोचो सती को लक्ष्मण प्राण उबार लिए क्षण में धौला गिरते सकती को तुलसी नर संकट क्यों न डरे जो कि ध्यान धरे बजरंग बली को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरो सुधार बरनो रघुबरो
विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेसो बिकार त्यों लोक उजागर नाम दूते अतुलित बलरामा अंजनी गोत्र पवन सुलरामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति ओ कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित खेसा हाथ बज हर ध्वजा विराज शंकर सुवन केसरी नंदनो तेज प्रताप बहुती बड़ाई तुम मम प्रिय सहस बदन तुम रो जसो गावे अस कई जीव दीरण लगावे ओ संतादि के ब्रह्मादि मुनीसा नारद सा कुबेरो दिगपाली जहाते कभी गोहिली कभी सगे गाले तुम उपकार सुखी वही कीना राम मिलाए राज बदलीना गया
हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन जे काज सकल लुभावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे Jai Ram, 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 Jai
संकटो हरलो मंगली मूरति रूप राम लखन सीता सहतो हृदय बसहु सुरभु पवन सुतो हनुमान की जतन कर री सारे अरे जतन कर री सारे जवाई मिल जमी सबसे अलग जे सबसे न्यारे सबसे अलग जे सबसे न्यारे ना घर इनके ना घर वारे ना घर वारे सबसे अलग जे सबसे न्यारे सबसे अलग जे सबसे न्यारे जे पर्वत वारे जमाए मिल जमी डारे जे पर्वत वारे जमाए मिल जमी डारे हरि जतन करे सारे जमाए मिल जमी डारे जतन करे सारे जमाए मिले जमी जवारे
के बबूत बगल मृग छाला भूत बगल मृग छाला अंग भूत बगल मृग छाला माथ चंदा करत उजाला माथ चंदा करत उजाला अंग भूत बगल मृग छाला अंग भूत बगल मृग छाला माथ चंदा करत उजाला माथ चंदा करत उजाला करे नाग कारे जमाई मेरे जमींदार करे नाग कारे जमाई मेरे जमींदार अरि जतन करे री सारे जमाई मेरे जमी जवारे जतन करे सारी जमाई मेरे जमी जवारे भोले बाबा है मन मौजी 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 चिलम तमाखू में हो राजी चिलम तमाखू में हो राजी भोले बाबा तमाखू में होवे राजी चलम तमाखू में होवे राजी जे बगिया वाले जमाए मेरे जमी जवारे जे बगिया वाले जमाए मेरे जमी जवारे अरि जतन करे रे सारे जमाए मेरे जमी जवारे जतन करी सारे जमाए मेरे जमी जवारे अरे जतन करे सारे जमाए मेरे जमी जवारे जतन करी सारे जमाए मेरे जमी जवारे चलिए एक बार फिर मैं डॉक्टर नील त्रिपाठी अंतिम दिवस के शुभ अवसर पर जहां 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण 128वां आयोजन बीपी दीक्षित कॉलेज के धर्म प्रांगण नौगांव में समय अंतिम दिवस में परिलक्षित है। हम इसी तरह यहां के भक्तों से निरंतर रूप से चर्चा करते रहते इस कार्यक्रम को लेकर इस कार्यक्रम के जो परिणाम हैं कार्यक्रम के जो यहाँ पर उपद्रव दृश्य हैं उनको लेकर चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं आदित्य त्रिपाठी जी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। आदित्य जी जिस तरह से दद्दा के यह आयोजन हो रहा है उस तरह से जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जैसे आयोजन तो होते रहते हैं लेकिन आयोजन के बीच में किसी संत का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव यदि हो तो एक अपने आप में अद्भुत प्रक्रिया हुआ करती है। तो दद्दा जी का यहाँ पर जन्मोत्सव था तो युवा टीम को युवा पीढ़ी को आपके जो लोग हैं उनको इससे इस जन्मोत्सव से क्या सीख लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी संत से वेद पुराण या उपनिषदों का ज्ञान लेना एक अलग बात है और संत का जीवन अपने आप में एक पूरा पुराण और एक वेद है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात हमने इतने बड़े जीवन में दद्दा के साथ रहकर पूज्य श्री से सीखी है वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मस्ती एक फ़कीर की और पढ़ा गई एक बात कि गांव में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाट। तो हमें संत बनने में अभी बहुत समय लगेगा, अभी हम पहली कक्षा में हैं, अभी हमें महाविश्वविद्यालय तक पहुँचने में समय लगेगा। तो संत बनने से पहले हम सभी विद्यार्थियों को जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि पहले फ़कीर बनना सीखें। दद्दा से जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो यह है कि पहले हमें फ़कीर बनना सीखना होगा। जब हम अपने गुरु के सामने बैठते हैं तो ज्ञान से फ़कीर बन जाइए, हो सकता है धन से फ़कीर ना हो पर मन से फ़कीर बनना आवश्यक है। पहले उस संत बनने कि शायद पहली ये सीढ़ी है कि हमें फ़कीर बनना होगा। और दद्दा ने वैसे भी सारे वेद पुराणों का सार जो हमारे वेदों में चार महावाक्य हैं उनमें से एक महावाक्य तो अहम ब्रह्मास्मि का हम सभी को ज्ञान दे ही दिया है कि ब्रह्मा कहीं और नहीं हमारे अंदर ही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जन्मोत्सव के अवसर पर जो सभी लोग बधाइयाँ देते हैं उस व्यक्ति को जिसका जन्म है, पर आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस ईश्वर को जिन्होंने स्वयं महादेव के रूप में आकर जन्म लिया और हम सबको गिरदित किया। शायद आपकी तरह नंदी और डमरू और त्रिशूल की पोस्टिंग तो अभी हम लोगों की नहीं हुई पर महादेव के शरीर पर लगने वाली श्वेत राख की एक कणु के बराबर अभी हम हैं, किंतु वही हमारे लिए धन्य की बात है कि हमने शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे कि आज हम महादेव के चरणों की धूल बन पाए। और बस अपनी उम्र के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम पहले दद्दा जैसे संत से वेद पुराण सीखना अलग बात है, आज के कलयुग में सबसे पहले आवश्यक है कि हम फ़कीर बनना सीखें। हर जगह अगर हम गुरु के पास जाते हैं तो बुद्धि से फ़कीर होके जाएँ, अगर हम कुछ सीखने जाते हैं तो पहले अपना ज्ञान पीछे छोड़ के जाएं उसके बाद आज जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आदित्य जी से हमने चर्चा की, बहुत प्यारी बात आदित्य जी ने कही कि यदि जीवन में कुछ सीखना है तो फ़कीर बनकर सीखो। मीरा ने भी फ़कीरी ही तो की थी और एक कवि ने लिख दिया था कि लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में और साधुवन के संग बैठने को मजबूर हो गई और निरख निरख नूरपुर नूर नंद लाल के सरक सरक दुनिया से मीरा दूर हो गई और अपने श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मीरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई। आदित्य जी हमारी टीम के साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर चलते हैं वापस, इसी तरह आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की हर हर महादेव शंभो। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण की जो श्रृंखला चली थी, पहले दिन आपने 48,98,825, दूसरे दिन आपने 58,81,795, कुल संख्या मिलाकर के 2 दिन में 1,07,80,620 हुए। आज जो आपने निर्माण किया है वो 33,98,618 शिवलिंगों का निर्माण हुआ। कुल संख्या आप अपने लक्ष्य से ऊपर चले गए, 1,41,79,238 शिवलिंगों को। इस पंडाल में बैठी हमारी मातृस्वरूपा देवियों और धर्मानुरागी सज्जन मंत और मंच में जितने भी अभ्यागत अतिथिगण बैठे हैं प्रतिष्ठित लोग, सबको हम प्रणाम करते हैं आपकी कर्तव्य निष्ठा को, आपकी लगनशीलता को कि इतने थोड़े समय में आपने 1,41,79,238 शिवलिंगों का निर्माण किया। बहुत अच्छा, शुभकामनाएँ, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा लक्ष्य आप सबने पूरे नौगांव क्षेत्रवासियों ने दद्दा जी को दिया है, इस मंच से आप सभी का आभार। और ये बच्चों का तांडव नृत्य जो है उसे प्रारंभ करने की कृपा करें, हमारे जो भी इनके निर्देशक हैं बच्चों के तांडव नृत्य।
करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत भगवान भूतेश्वर परमेश्वर पार्थिवेश्वर भगवान के अमोघ आशीर्वाद से हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके पावन सानिध्य में बीपी दीक्षित महाविद्यालय के धर्म प्रांगण पर यह त्रिदिवसीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के 82वां जन्मोत्सव महामहोत्सव मनाने के लिए सभी भक्तों ने इस दिव्य अनुष्ठान को करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थी हुए कि उनकी कृपा निरंतर हम पर बरसती रहे। इसी मध्य आज पूर्णाहुत दिवस पर सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आसन ले लें और अपनी सामग्री को समाहित करते हुए निर्देशानुसार भगवान का पूजन करें। चलिए 3 बार आचमन करते हुए पवित्रीकरण जल का सिंचन अपने एवं सामग्री के ऊपर करें। ओम के जवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ वृक्षालोर्धिकेशाय नमः। पवित्रो सर्वावस्थांगतो त्रिकरण के पश्चात अपने हाथों में एकचित पुष्प ले लें। भगवान गणेश का ध्यान प्रार्थना करते हुए कोपर में उन्हीं अक्षतों को अर्पित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर प्रभा निर्विघ्न अंकुर मे देव सर्व प्रार्थनार्थे अक्षतां समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की जय। सभी मूर्तियों का स्पर्श करते हुए भगवान का प्राण प्रतिष्ठापन करें। ओम भगवते पार्थिवेश्वराः सांगा सपरिवारा सायुधा ददग्धिकाः शानुचरा श्री पार्थिवेश्वरा सुप्रतिष्ठता वरदा भवन्तो। 3 बार जल सभी मूर्तियों पर अर्पित करते हुए पाद्य अर्घ प्रदान करें। साथ ही शुद्ध जल लेते हुए भगवान का शुद्ध उदक अभिषेक भी करें। ओम आपो हितामयो भूतान ऊर्जे दधातनो महिरणाय चक्षसे। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। शुद्धोदकष्टानम् समर्पयामि। पंचामृत लेते हुए भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से भगवान को पुनः शुद्धोदित करते हुए अभिषेक कर लें। ओम पंजरयः सरस्वतीम पयन्ति ततोदसा सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरितः। भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। पञ्चामृतस्नानम् समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानम् च समर्पयामि। गंगा जल लेते हुए भगवान का गंगोदक या धर्म क्षेत्र में प्राप्त जल से भगवान का अभिषेक करें। गंगे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिहताम्। ओम भगवते पार्थिवे
धुराय नमः गंगोदक स्नानम समर्पयामि आत्मन्या जलेन आत्मनीयम जलम समर्पयामि भगवान को वस्त्र रक्षा सूत्र एवं यज्ञोपवीत में हरिद्रा लगाते हुए अर्पण कर दें। तदुपरांत अष्टगंध युक्त चंदन को लेते हुए भगवान के मस्तक पर चंदन का लेपन करें और दाहिने हाथ में अक्षत लेते हुए अक्षत चढ़ाएं। ओम अक्षन्नमे वदन्तं प्रियतो गतो गतजमान वो विभ्रान विश्वयामते योजान विन्द्रते हरे। ओम भगवते वार्धवेधुराय नमः अक्षदान समर्पयामि बिल्वपत्र तुलसीदल दूर्वांकुर समीपत्र लेते हुए एक साथ भगवान को अर्पित करें। आज अनंत चतुर्दशी है, आज भगवान के पूजन का कोई अंत नहीं, अनंत है, अतः करें अपने मन से भगवान की खूब पूजा। ओम नमो बिल्मे जगवचने च नमो वरदने च वरोधने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो द्वंद्वव्याय च हरण्याय च। ओम भगवते पार्थवेधुराय नमः बिल्वपत्राधिकं समर्पयामि सिंदूर अबीर भोड़र जटामासी आदि सामग्री को चढ़ा दें और अगरबत्ती को प्रज्वलित करते हुए धूप आरती करें और नैवेद्य भगवान के समक्ष रखते हुए दीप को जलाकर भगवान की मंगल आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्य उपकल्पनीयानि दिव्याणि समर्पयामि धूपं दीपं च दर्शयामि दीपान्ते हस्तप्रज्वालनम् आत्मनीयं जलं समर्पयामि। चलिए भगवान को नैवेद्य लगा दें, भोग लगाएं और जल का घेरा लगाते हुए प्रसादी भगवान को अर्पित कर दें। भगवान के मुख शुद्धि के लिए तांबूल पुंगी फल लवंग आदि लेते हुए अर्पण कर दें, साथ ही द्रव्य दक्षिणा को लेकर पूजन की पूर्णता करें। ओम हिरण्यवरः समवर्तता देवभूतस्य जाता अतिरेकयासे सदाधार पृथ्वी यामोते मा कस्मै देवाय हविखाविधे। ओम भगवते पार्थ्वेधुराय नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। चलिए हाथ में बिल्व पत्र पुष्प अक्षत ले लें, दोनों हाथ जोड़ते हुए अनंतानंद भगवान ब्रह्मांडाधिनायक पार्थ्वेश्वर भगवान से प्रार्थी बने। परम पूज का आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे, उनके दर्शन मिलते रहें, इसी कामना से प्रार्थना करें। मंगलाराम जगरदार वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांत समीर भूर्भुवस्वश्री पार्थवेधुराय नमः प्रार्थनार्थे अक्षदान समर्पयामि। अपने दोनों हाथ की थपोली बजाएं और चुटकी बजाते हुए दाहिने हाथ को चारों तरफ सिर के तरफ घुमाएं, भगवान की परिक्रमा करें। ओम भगवते पार्थवेधुराय नमः प्रदक्षिणा नमस्कार समर्पयामि। चलिए प्रदक्षिणा के बाद पुनः हाथ में अक्षत लेकर क्षमा प्रार्थी बने और भगवान भोलेनाथ को कैलाश हेतु विसर्जित करें। ओम कर चरण कदम्बा कर्म जम्बा श्रवण
ब्रह्मा मान संभा पराधौ वेदम वेदम सर्वमेद समस्ता जय जय करुणा से श्री महादेव शंभो यंद देव गणा सर्वे पूजा मदाय मामिके इष्ट काम समर्थम चलिए, आपको लगता होगा कर्पूर आरती नहीं आज हुई, आज भगवान की महाआरती होगी। चूंकि पूर्णाहुत दिवस है, हम आप महाआरती का दर्शन करेंगे। कुंज बिहारी लाल जी की आरती की तैयारी करें, जब तक दो मिनट संकीर्तन भी कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो शंकर भगवान के परम पूज्य गुरुदेव भगवान के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का तुमको मैं को
दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली सेवा करते हुए राधा रमण हरि गोविंद बोलो चाहूंगा कि दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि अब हर हर महादेव नहीं,
एक घर घर महादेव आपने बना लिए हैं, तो एक बार जोरदार तरीके से हर हर महादेव का जयघोष कर दीजिए, दोनों हाथ उठाकर हर 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 हर। और चलिए दो पंक्तियां हैं, हमारे राधे मंडल के कलाकार हमेशा कहा करते हैं हमारे बुंदेलखंड में होती हैं, तो आइए दो पंक्तियां हैं। सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 अरे जिन में कन्हैया अकेले सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 जिन में कन्हैया अकेले। लाल रंग डारो हरी रो रंग डारो और रंग डार दो केसरिया दे बंसी वारे सावरिया। लाल रंग डारो हरी रो रंग डारो और रंग डार दो केसरिया सावरिया। कहीं मानो सवरिया ने और जो कहीं मानो भाग।
ऐसे ना, अरे ऐसे ना मटको सवरिया, हाय लग जाई है नजरिया, ऐसे ना मटको सवरिया, हाय लग जाई है नजरिया, ऐ जाई है नजरिया हो जाई है नजरिया, जाई है नजरिया हो जाई है नजरिया, ऐसे ना, अरे ऐसे ना मटको सवरिया, हो लग जाई है नजरिया, ऐसे ना मटको सवरिया। अरे ललिता खा मारे पिचकारी और रुकमणी खा गुलाल, ललिता खा मारे पिचकारी रे और रुकमणी खा गुलाल, और राधा खा मारे नजरिया, राधा खा मारे नजरिया, राधा खा मारे नजरिया, राधा खा मारे नजरिया, हरे मोरे बदन गोपाल आ गए ब्रज में ज में होली खेल रघुवीरा, अरे होली खेल रघुवीरा, रज में होली खेल रघुवीरा, राधा की तिरछी नजरिया हो मोर श्यामा जी बचियो, राधा की तिरछी नजरिया श्यामा जी हो बचियो, राधा की अरे जोन गोराय हार, अरे जोन गोराय हार, अरे जोन गोराय हार, बाके बिहारी कजरा रे तोरे मोटे मोटे, ओ नजर ना लग जाए, 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 बाके बिहारी कजरा रे तोरे मोटे मोटे, ओ नजर ना लग जाए, we'll be right back.
मैया तो है बैठा हूँ, अपनी राधा रानी से चरण तेरे दबवाऊँ, अपनी राधा रानी से चरण तेरे दबवाऊँ। अरे भोजन में बनवाऊँगा बनवाऊँगा अरे 56 प्रकार के, अब तो करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ना 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 ना, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, वो कैसे करा दूँ तेरो ब्याह राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। कमाल कर गई रे कमाल कर गई, हो कमाल कर गई रे कमाल कर गई, हो भोले बाबा तोहरी बिटिया कमाल कर गई, भोले बाबा तोहरी बिटिया कमाल कर गई, हो कमाल कर गई रे कमाल कर गई, हाँ कमाल कर गई रे कमाल कर गई, हो भोले बाबा तो कर गई रे मद होश कर गई।
कुटिया कमाल कर गई, बोले बाबा तोरी 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 कुटिया कमाल कर गई, बोले बाबा लेडी हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें हमारे भारतवर्ष से आए हुए सभी अतिथियों का अपने घरों में अपने शहर के कोने कोने में स्थान दिया और उस स्थान से हमारे भारतवर्ष के शिष्य गौरवान्वित हुए और उनको बड़ी खुशी हुई। एक छोटे से शहर में पहली बार आयोजन होने के बाद भी इस शहर ने पूरे भारतवर्ष का दिल जीत लिया है। मैं एक बार पुनः ऋणी होता हूँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।